अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई नीड लूज नहीं होंगे आपके पास? नहीं यार, फिलहाल नहीं है। तो ये आपके लिए काइंडली कॉम्प्लीमेंट थी। अच्छा, ऊपर से उठा लीजिए। ये क्या है सर? ये चॉकलेट पॉप है। अच्छा, आज फादर्स डे है तो हम थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी चीज। अच्छा यार, वैसे मैंने मीठा अवॉइड किया हुआ था सर। इतना मीठा नहीं होगा, चॉकलेट ही है वैसे। चॉकलेट या मुझे कॉफी से पहले ये खानी पड़ेगी। इसके लिए मुझे टिश्यू पेपर दे प्लीज, थैंक यू। सो सेकंड कप की तरफ से थोड़ा सा अब मैंने मीठा खाना है, दिल कर रहा है लेकिन क्या करें। किस तरीके से आपकी डाइट खराब हो सकती है उसका हल ये है कि आप ये काम करें, थोड़ी सी खाएं बाकी रख। अच्छा, मैं अपने टॉपिक दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक ही है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, अगर फातिमा ने स्नैपचैट पे क्वेश्चन आया था हमने सर, कि जो लोग बेल्ट पहन के वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या बेनिफिट होता है कि नहीं उसका, एक नंबर वन। नंबर टू, ब्राउन राइस के ऊपर कि जो ब्राउन राइस होती हैं, ब्राउन राइस होते हैं, वो ठीक होते हैं या नहीं होते। नंबर वन, एक चीज़ पहले तो ये सुन लें कि बेल्ट पहन के एक्सरसाइज करना, जो कि लोग टम्मी के लिए पहन लेते हैं और वो समझते हैं कि शायद जो है ना उसे हमारा वेट कम हो जाएगा। देखो, इसका कोई डायरेक्टली इतना बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं आता। फॉर इसी एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर आप एक अच्छी डाइट इस्तेमाल करेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे और आपके साथ में ग्रीन टी पियेंगे, लेकिन खाना हेल्दी होगा तो फिर ग्रीन टी इफेक्ट करेगी। लेकिन अब डाइट अच्छी ना होगी तो मीठा खाते रहेंगे तो ग्रीन टी का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको टेस्ट? ये बहुत मज़े का था, बहुत शुक्रिया। हम ऑर्डर पे भी रेडी कर देते हैं, अगर आप कोई बर्थडे पार्टी वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ हो जरूर जरूर, तो हम ऑर्डर पे भी रेडी कर देते हैं। नेक्स्ट भी हमारे ऑर्डर पे रेडी होते हैं। अच्छा, मंडे पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आता हूँ कॉफ़ी के बाद, आपको इसका आंसर देता हूँ, क्योंकि कॉफ़ी के बाद, कॉफ़ी पहले मुझे पी लेने दें थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा मुझे एक्टिव हो लेने दें, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, देखिएगा। ओके, तो करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये मीठा, जिस तरह का जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मीठा मिले, या चॉकलेट्स कोई आपके लिए लेके आए और आप चाहती हो कि वेट कम करना, तो इस तरह की ट्रीट आपको मिल जाए, आपको अच्छा भी लगता है, गिफ्ट मिल जाए चॉकलेट तो अच्छा भी लगता है, उसके लिए सबसे आली है थोड़ी सी खाएं और बाकी किसी को दे दें। मैंने थोड़ी सी खाई, साइड पर रख ली, मैं नहीं खा रहा, लेकिन मज़े की थी, कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, मुझसे चॉकलेट्स का कोई गिफ्ट देता है तो क्या करें, उसका हल ये है कि आप उनको चॉकलेट्स ले लें, लेकिन किसी को डोनेट कर दें, फैमिली को दे दें, दोस्त को दे दें, कोई दिल बड़ा करें तो दे दें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको वेट का कोई मसला नहीं, सारी चॉकलेट्स खा लें। ओके, दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि सुहाना बेल्ट या इस तरह की बेल्ट पहन के फ़ायदा होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस, शायद कोई आपको असर उसका होगा, लेकिन अब इतना बड़ा चेंज नहीं है कि आप उसको बोलें कि आप इस्तेमाल करना शुरू करें। वही एग्जांपल कि आपकी वॉक अगर एक घंटा पंद्रह महीने में, अगर आप 25 दिन एक घंटा रेगुलर वॉक करते हैं, उसका जो इफेक्ट होगा, और सिर्फ आप 5 दिन वॉक करें और पेट पे बेल्ट बांध के वॉक करें, तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो ऐट द एंड ये चीज़ जो है ये तो बहुत स्लाइटली मैटर करती है, तो इतना कोई इफेक्ट नहीं। आई डोंट सजेस्ट कि आप बेल्ट पहन के जो है ना वो वॉक करें। दूसरा, ब्राउन राइस के ऊपर, सर राइस जो हैं वो ब्राउन राइस जो हैं वो हेल्दी हैं नहीं हेल्दी? देखो, दो चीज़ें हैं, ब्राउन राइस बेसिकली उसमें डिफरेंस, वाइट राइस और ब्राउन राइस के अंदर डिफरेंस ऐसे होता है कि जो ब्राउन राइस होते हैं वो कंपैरेटिवली या होल ग्रेन राइस वो बेहतर होते हैं वाइट राइस से। वाइट राइस का जो उसके अंदर फाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है, वाइट राइस के अंदर वो फाइबर नहीं होता, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के थ्रू वो निकल जाता है। तो यस, ब्राउन राइस जो है कंपैरेटिवली बेहतर है, एज़ फार एज़ अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छा ही इस्तेमाल करने चाहिए, उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो जिस तरह होल ग्रीन राइस, ये फ़र्क है। तीसरा, एक और जो क्वेश्चन आया हुआ था, जो चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता हूँ आप लोगों से, फिटनेस प्रो एकेडमी की सर्टिफिकेशन का, कि ऑनलाइन कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी स्टार्ट है, नेक्स्ट मंथ से हमारी क्लासेज है। मेक श्योर जो लोग साइन अप करना चाहते हैं डू साइन अप, और उसमें आप क्लासेज ऑनलाइन है, पहले तो ये होता था कि आपको आना पड़ेगा, बट नाउ दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, कराची से, बलूचिस्तान से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, इवन बाहर की कंट्री से भी आप, मुझे मिडिल ईस्ट से काफ़ी लोगों के आ रहे थे,
अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डाइट हेल्थ डाइट के प्लान कैसे बनाना है, अपने बच्चों की डाइट कैसे ठीक करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए मेक श्योर आप साइन अप करें और दे विल बी 2 month कोर्स, उसकी डिटेल्स जो है ना आपको मिल जाएगी। मुझे अभी कॉफ़ी इन्जॉय करने दे, वो थोड़े से सॉन्ग इन्जॉय करने दे, आप लोग जो है वो take care।